हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि फिल्मों में बारिश का इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है, बहुत ही ईजी है, और इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंत में हम लोग को इस प्रकार का एक रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस प्रकार का बारिश के इफेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल, न्यू, जनरल। तो दोस्तों, ये रहा नया सीन। इसमें इस क्यूब की आवश्यकता नहीं है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। सिलेक्ट, फिर एक्स, फिर डिलीट। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक प्लेन ऐड करेंगे, और कर्सर हमारा सेंटर पे है। और प्लेन ऐड करने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट ए, फिर मैश, फिर प्लेन। इस प्लेन को 5 गुना बड़ा कर देंगे। 5 गुना बड़ा करने के लिए शॉर्टकट की है एस, फिर 5, फिर एंटर। अब हम क्या करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट बनाएंगे शिफ्ट डी। डुप्लीकेट बन चुका है। अब इसको ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऊपर की तरफ मूव करने के लिए ये रहा टूल। इससे हमें ये 3 डंडी मिल जाती हैं। अब क्या करेंगे, इसको हल्का ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब इस प्लेन का और एक डुप्लीकेट बनाते हैं, और डुप्लीकेट बनाने के लिए शॉर्टकट की है शिफ्ट डी, और इसको एक्स एक्सिस में 90 डिग्री घुमा देते हैं। 90 डिग्री घुमाने के लिए आर, फिर एक्स, फिर 90। इसको पीछे की तरफ ले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैमरा सेट कर देंगे सबसे पहले। तो मैं और एक विंडो ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं चलता हूँ व्यू के अंदर, फिर चलता हूँ कैमरास, और फिर एक्टिव कैमरा। तो हम लोग अभी कैमरे के नज़रिए से यहाँ पे देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, सिर्फ रेंडर्ड मोड में कैसे दिखेगा वो मुझे चाहिए। तो वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए यहाँ पे रहा वो बटन, इसको क्लिक कर देंगे तो ये रेंडर्ड मोड हो गया। और ये जो ग्रिड दिखाई दे रहा है, इसको छुपाने के लिए ये रहा बटन, इसको क्लिक कर देंगे तो वो छुप जाएगा। अभी इसका लाइटिंग ठीक नहीं है, इसलिए ये अंधेरा दिख रहा है, इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दीजिए। अब क्या करेंगे, कैमरा का एंगल सेट करेंगे। तो अभी कैमरा सिलेक्टेड है, यहाँ पे एक हल्का सा एक एरो है, उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये प्रॉपर्टीज़ पैनल मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्स को 90 डिग्री सेट करता हूँ, वाई को 0 और जेड को 0। इस ऊपर वाले प्लेन को ऊपर की तरफ हल्का से ले जाते हैं। अब हम सबसे पहले जो काम करेंगे वो है बैकग्राउंड पहले सेट कर लेंगे। तो ये मेरा बैकग्राउंड अभी सिलेक्टेड है। यहाँ से मैं चलूँगा मटेरियल के अंदर, फिर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा न्यू। फिर यहाँ पे बेस कलर साइड पे एक बटन है, उसके ऊपर क्लिक करूँगा। फिर यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इमेज टेक्सचर, ओपन, और फिर जहाँ पे इमेज टेक्सचर है उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए, हमारा बैकग्राउंड अभी सेट है। अब हम क्या करेंगे, कैमरा को और थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसको हल्का पीछे की तरफ लाते हैं, हल्का नीचे की तरफ, ठीक है, ये सही दिख रहा है, और लाइटिंग भी सही जगह है, ओके। अब बारी है बारिश क्रिएट करने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये जो ऊपर वाला प्लेन है इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे चलूँगा, यहाँ पे एक डॉट जैसा सिंबल है रेंज सिंबल के नीचे, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और वो पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ सेट करने में मदद करता है। यहाँ से मैं प्लस सिंबल को क्लिक करूँगा, और अगर ये देखिए, जैसे प्लस सिंबल को मैंने सिलेक्ट किया, एमिटर सेट हो गया। अगर मैं अभी प्ले करता हूँ तो यहाँ पे देखिए, आपको बारिश जैसा नीचे गिरने वाला कुछ दिखाई देगा। यहाँ पे फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें उसको सेट करना होगा। तो फिलहाल हमारा बारिश वाला प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट है। अब हम क्या करेंगे, बारिश के लिए जो वाटर ड्रॉप लगेगा उसको क्रिएट करेंगे। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, उसको असाइन कर देंगे, तो बाकी सारे जितने ड्रॉप्स बनेंगे उसमें वो सेट हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ अभी आप ये देख के समझ जाओगे। ये देखिए, कर्सर हमारा सेंटर पे है, शिफ्ट ए। फिलहाल मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ, इस क्यूब को हल्का ऊपर की तरफ लेता हूँ। नहीं तो इसको बाहर की तरफ ले जाता हूँ, आपको समझाने में मदद मिलेगा मुझे। और फिर
एडिट मोड में चलते हैं। एडिट मोड में जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो शॉर्टकट की है टैब। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐड सिलेक्शन मोड ऑन कर देंगे। इससे हमें ऐड सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिलेगा, सारे ऐड्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर स्केल इन कर देंगे। ठीक है, उसी तरह ये नीचे वाले जो एड्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे और फिर स्केल इन कर देंगे हल्का सा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि ये वाटर ड्रॉप है। फिर इसको एक्सट्रूड करेंगे एक बार, और एक बार एक्सट्रूड करेंगे, फिर इसको स्केल इन कर देंगे। ये हमारा वाटर ड्रॉप जैसा रेडी है। अब हम चलेंगे ऑब्जेक्ट मोड में, इसको स्मूथ कर देंगे, सेट स्मूथ। ठीक है, ये देखिए स्मूथ हो चुका है। अब इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई कर देंगे, कलर अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं अभी ये वाटर ड्रॉप सिलेक्टेड है, मैंने यहाँ पे मटेरियल सिलेक्ट किया प्रॉपर्टीज पैनल से, फिर न्यू और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वो वाइट है, वो अभी वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, ये कैसे दिख रहा है मैं फ्रेम के अंदर लाके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार का दिख रहा है। इसको स्केल डाउन कर देते हैं, बहुत साइज इसका बहुत बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, इस ये जो सिंगल वाटर ड्रॉप हम लोगों ने क्रिएट किया है इसको सेट करेंगे पार्टिकल सिस्टम में। तो कैसे होगा, पहले ये ऊपर वाला प्लेन को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पार्टिकल सिस्टम इस पर सेट किया था, तो इसको सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है रेंडर, रेंडर पे क्लिक करेंगे और रेंडर एज हेलो लिखा है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट। फिर ये ऑब्जेक्ट पैनल खुल गया, यहाँ से ये जो ड्रॉपर है इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है क्यूब उसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये देखिए जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे वो नाम आ गया। अब जब मैं इसको प्ले करता हूँ, ये देखिए बारिश जैसा हमें एक इफ़ेक्ट मिल रहा है। इसको और बेहतर बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाला प्लेन है इसको वाई एक्सिस में रोटेट कर देते हैं हल्का सा, और हमारा लाइट जो है उसको नीचे की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, और फ्लोर पे हम लोग एक कोलिजन ऐड करेंगे। ये फ्लोर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से फिजिक प्रॉपर्टीज, ये रहा फिजिक्स प्रॉपर्टीज। फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कोलिजन और यहाँ पे किल पार्टिकल्स पे टिक मार्क कर देंगे। तो दोस्तों ये देखिए हमें एक बढ़िया सा बारिश का विजुअल इफ़ेक्ट्स मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अभी इसको प्ले करके देखते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट करो और अलाउ मी फ्रेंड्स, थैंक यू।